हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्त की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये है पाव भाजी खिचड़ी। जी हाँ, बहुत से लोगों ने बोला था कि दीदी पाव भाजी खिचड़ी की रेसिपी दे दीजिए। रेसिपी मैं एक्ट के साथ दे चुकी हूँ, बट उसको 1.5 से 2 साल हो चुका है। आप देख रहे हैं ना, ये देखने में ही कितनी तीखी, कितनी चटपटी, कितनी यमी लग रही। एक बार खा ली ना तो नॉर्मल खिचड़ी बनाना भूल जाओगे। और इसके साथ ना पापड़ की ज़रूरत, ना अचार की, ना दही की। ये जो रख दिया है ना, वो ऐसे ही रख दिया। बस जब भी खाओगे ना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। इतनी चटपटी, इतनी अच्छी, इतनी टेस्टी और इतनी हेल्दी है। क्या चाहिए इसके लिए? चावल चाहिए और मूंग की धोआ दाल चाहिए। आप चाहें तो 2-3 तरीके की दाल मिला सकते हैं। यहाँ पे मैंने किणी वाले चावल लिए। आप चाहें तो बासमती राइस भी ले सकते हैं, बट कहते हैं ना खिचड़ी ये छोटे वाले चावलों में ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैंने थोड़े से चावल और मूंग की धोआ दाल ले ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ले लें कि कितना मुट्ठी आप चावल लेते हैं, कितना मुट्ठी दाल लेते हैं, ठीक है, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर इसको धो लिया, धोने वाले पानी को फेंके नहीं चावल दाल वाले को, पौधे में डाल लें। फिर इसको थोड़ी देर भिगो दिया। यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सी पत्ता गोभी, एक शिमला मिर्च, एक छोटा आलू लिया है, थोड़ा सा घिया लिया है, और लिया है प्याज 2, और 2-3 टमाटर लिए हैं, और 1 इंच का अदरक के टुकड़े को कद्दूकस कर लिया। आप लहसुन खाते हो तो आप वो भी ले सकते हो, और जो सब्ज़ी आपके घर में हो ना, बैंगन भी डाल सकते हो, फूल गोभी भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। जितना आप सब्ज़ी डालेंगी हेल्दी ही होगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने 1 कच्ची घी डाला है, उसमें डाल दिया है जीरा, और अब डाल दूंगी थोड़ा सा राई, ठीक है। ये 2 तरीके से मैं बनाती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल इजी तरीके वाली आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ भर के हींग, क्योंकि हींग का टेस्ट मुझे बहुत पसंद। इसी स्टेज पे अदरक डाल देंगे, और अगर लहसुन डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हैं, और प्याज लहसुन ना खाना चाहो तो वो स्किप कर देना, ठीक है। फिर अदरक जब थोड़ा पक जाएगा तब हम डाल देंगे प्याज। प्याज को डाल के थोड़ा बहुत पका लेंगे। सब्जियां आपके घर में जो भी हो ना, वो डाल के बना सकते हैं। और सर्दियों में तो गाजर वगैरह भी आती है, तो आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे डाल दी है हल्दी थोड़ी सी, इसे भी चला देंगे। और अब क्या करेंगे कि इसमें जो बाकी सब्जियां थी ना, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, आलू, घिया, आपके पास फूल गोभी हो, कुछ भी हो, आप वो डाल सकते हो। सोया चंक्स जो होते हैं ना, उसको भी डाल सकते हो। इनको अच्छे से मिला लिया है, थोड़ी देर के लिए इनको पकने देंगे। फिर डाल देंगे नमक। आप नमक बाद में भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे पहले ही डाल दिया। फिर मैंने 1 चम्मच डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर। फिर मैंने लाल मिर्च और डाला है, क्योंकि तीखी चटपटी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। और आपके बच्चे अगर खिचड़ी नहीं खाते होंगे ना, तो वो भी चट चट चटकारे लेके खाने लग जाएंगे। और कहते हैं ना खिचड़ी बीमारों वाला खाना होता है, नहीं, ये इतनी टेस्टी लगती है ना कि पूछो मत। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, और इन सब्जियों को थोड़ा सा हम पकने देंगे, ठीक है। तो जब ये थोड़ी सी पक जाएंगी, तब हम ये मीडियम साइज़ के 3 टमाटर जो मैंने कट किए थे वो डाल देंगे, ठीक है। वैसे तो मैं क्या करती हूँ कि इन सब्जियों कैसे पकाया और खिचड़ी पहले ही बना लेती हूँ, फिर जब बन जाती है ना, तब इन सब्जियों का तड़का ऐसे करके लगा देती हूँ। लेकिन आज मैं एक साथ ही बना रही हूँ। यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है पाव भाजी मसाला। ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो पाव भाजी वाला टेस्ट आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है पाव भाजी मसाला। थोड़ा ज़्यादा ही डालना, मस्त वाला मज़ेदार बनेगा। ये है गरम मसाला। बच्चों के लिए बना रहे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, तो आप थोड़ा सा गरम मसाला और स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा नहीं, 2 चम्मच डाल दिया, क्योंकि भाई पाव भाजी खिचड़ी है तो तीखी भी होनी चाहिए, चटपटी भी होनी चाहिए, थोड़ी सी खटास भी होनी चाहिए, है ना। तो ये डाल के मिला दिया। अब देख रहे हैं ना आप कितने तक चटपटी सी लग रही हैं ये सब्ज़ियाँ। अब हम डाल देंगे हमारे भीगे हुए दाल और चावल, ठीक है। दाल चावल डालने के बाद इनको चला देना है। आप चाहें तो बटर में भी बना सकते हैं, मैंने ये घी डाला क्योंकि बटर में ऊपर से डालूंगी, ठीक है। फिर इसको मिक्स करने के बाद अंदाज के अकॉर्डिंग आप पानी डाल दीजिए। पानी यहाँ पे मैंने ज़्यादा डाला है, जितना डलता है ना उससे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है, क्योंकि पतली पतली सी जो थोड़ी सी होती है ना खिचड़ी, वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास 2.5 गिलास 3 गिलास जितना भी डाला होगा, ये अंदाज से मैंने डाल दिया कि हाँ मेरी खिचड़ी इतनी पतली होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब हर औरत को अंदाज तो पता ही होता है, तो अपने अकॉर्डिंग पानी डाल देना, ठीक है। डालने के बाद बस सीटी लगा देनी है, 2-3-4 सीटी, जिसमें भी बिल्कुल अच्छे से पक जाए खिचड़ी, ठीक है। जब हवा निकल जाएगी इसकी कुकर की, तो ये देखिए कितनी चटपटी सी बनी है ना। तो ये देखिए, अभी मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी और इसको अच्छे से घोट लूंगी और थोड़ा सा, है ना। और आप चाहें तो इसमें और ऊपर से तड़का लगा सकते हैं अदरक का और लहसुन का, बट आज मैंने नहीं लगाया, वरना आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और पतला करके, और फिर इसमें बटर डाल दूँगी ढेर सारा। घी, बटर ना हो तो कोई बात नहीं, घी में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। घर में घी तो होता ही है, बटर हो ना हो घी तो होता ही है। तो ये हो गई थी, फिर डाल दे रहे हैं ढेर सारा हरा धनिया, और ऊपर से भी हरा धनिया डालने के लिए मैंने रख लिया है, ठीक है।
तो ये बहुत ही मस्त वाली खिचड़ी बनके तैयार होती है। चाहे आप इसके साथ कुछ भी नहीं बनाएंगे ना तो ये परफेक्ट है, क्योंकि ढेर सारी सब्जियां हैं, चावल है, दाल है, तो कितनी हेल्दी है और कितनी टेस्टी है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है बटर भर के और इसको चला लेंगे, बटर अपने आप पिघल जाएगा गर्म खिचड़ी पे, है ना। तो बस अब सर्व करेंगे यहाँ पे। तो मैंने हरा धनिया और डाल के सर्व कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा बटर और डाल दिया, आप चाहें तो ऊपर से तड़का और लगा सकते हैं। ये पापड़ और ना मैंने ऐसे ही रख दिए, लेकिन जब ये बनती है ना हमारे घर में तो हम बस इसको कोरा ही खाते हैं। और ये खिचड़ी जब से बनाना मैंने स्टार्ट किया है, काफ़ी साल हो गए, उसके बाद से नॉर्मल खिचड़ी मेरे घर में खाना कोई भी नहीं पसंद करता। और जब ये खिचड़ी बनती है तो सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी ही बनती है, ना कोई कढ़ी, ना कोई सब्जी, ना कोई रोटी, ना कोई पापड़, ना ही कुछ। तो ये रही पाव भाजी खिचड़ी की रेसिपी, कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।